अकोला तहसील अंतर्गत दहीहंडा गावात असलेल्या मरकज मशिदीत पत्रकार अब्दुल मजीद आणि मस्जिद पंच कमिटीच्या वतीने राष्ट्रीय सलोखा इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये देशातील अशांत वातावरणात बंधुभाव निर्माण व्हावा यासाठी सर्व धर्माच्या नागरिकांना आमंत्रित करण्यात आले होते। दहीहंडातील नागरिकांनी उपस्थित राहून हा कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवला। नागरिकांमध्ये एकोपा कायम ठेवण्याचा ध्यास यावेळी मौलावी साबीर साहब यांनी हिंदू मुस्लिम बौद्ध ऐक्य राखण्यासाठी आपले विचार मांडले। ठाणेदार सुरेंद्र राऊत यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले। सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आनंदोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले, त्यामुळे दहीहंडातून गंगा जमुना तहजीबचा संदेश देता यावा या जातीय सलोखा इफ्तार पार्टीत सर्व धर्मातील सुमारे 200 नागरिकांनी सहभाग घेऊन एकत्र इफ्तार करून बंधुभावाचा संदेश दिला। त्याचे कॅम्पसमध्ये कौतुक होत आहे। या कार्यक्रमाचे संचालन सय्यद अहमद पत्रकार तर आभार शिक्षक अब्दुल सादिक यांनी केले। देशातील बिघडत चाललेले वातावरण पाहता पत्रकार अब्दुल मजीद यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। मदत करने का, भाईचारे का काम कीजिए, तभी आपका धर्म आप सर्वोत्तम ऐसा धर्म बना सकते हैं। और जैसा कि सबने बताया, दहीहंडा में आप सब लोग साथ में मिलके रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही रहेंगे और जो भी देश में माहौल चल रहा है उसमें महंगाई में आकर किसी भी तरह की अफवाहों पे आप ध्यान ना दें। अगर आपको किसी भी बात की शंका है, कुछ भी आपके मन में आता है, तो आप हमसे संपर्क करें। लेकिन एक दूसरे के सामने किसी भी अफवाह के बेसिस पर लड़ने से या कुछ भी करने से दूर रहें। स्पेशली जो ये नए बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कोई भी गुनाह, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले एक या दो बार सोचें कि आप क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। चाहे आपने उस बाद में आप बोलते हैं कि हमने सहज मन से कर दिया था, आपने उसको सहज मन से कर दिया, लेकिन वो मैसेज जिन लोगों के पास जा रहा है, उन्होंने उस मैसेज को कैसे लिया, वो उस मैसेज में क्या भावना देंगे, क्या रिएक्शन देंगे, वो आप लोगों को नहीं पता। लेकिन मैसेज आपने भेजा तो जिम्मेदारी आपकी हुई, तो इसलिए कोई भी ऐसा मैसेज ना भेजे जिससे बाद में हमें आप पर गुनाह दाखिल करना पड़े और आप लोगों का त्यौहार खराब हो या कुछ भी हो। हम लोग स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक सबको देख रहे हैं, वैसे भी हर जगह पर हमारी नजर है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से रहिए, साथ में रहिए। और आप अभी 2 साल के बाद सब त्यौहार बड़े जोश से मनाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड में था, तो आप लोग खुशियों से जोश से त्यौहार मनाइए और सारी जो फिक्र है, जो चिंताएं हैं, वो हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। और आप लोग अच्छे से रहिए। धन्यवाद। मैडम ने बहुत अच्छे कम अंदाज में उनके विचार व्यक्त करे, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद में इस कार्यक्रम का आभार प्रदेश अधिक सर करेंगे, ऐसे में से गुजारिश करता हूँ। वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि 5:30 बजे से कार्यक्रम की रूपरेखा आखी गई, मैडम का आने का पता चला, मैडम भी टाइम पर आए। लेकिन एक बोलने पर ग्राम पंचायत के सभी मेंबर, सेवा सहकारी सोसाइटी के सभी न्यू नए संचालक और गांव के सब प्रतिष्ठित नागरिक एक बोलने पर सब जमा हो गए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने भी सहकार्य किया है, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद इफ्तार का कार्यक्रम है, सब इफ्तार करेंगे और इफ्तार करने के बाद अपन इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। एमसी न्यूज करिता योगेश भगत, अकोट ग्रामीण।